किस पार्टी में आस्था रखे, समाजवादी पार्टी के अंदर आस्था रखे जो श्री राम को लेके, रामचरित मानस को लेके अपमान करता है, हम ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर आस्था रखे जो हिंदुओं को हीन भावना से देखती है, हम कांग्रेस के अंदर आस्था रखे, यदि मैं आपकी बात करूं तो कि हम कांग्रेस के अंदर आस्था रखे जो प्रभु राम के जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगाती हो, हम भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं जो गर्व से कहती है भारत हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू है और जय श्री राम है। आज अयोध्या धाम का जो निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ का जो निर्माण हो रहा है, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो क्यों ना कहें हम गर्व से कि हम भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनेंगे। ये उन लोगों पर मेरा प्रश्न चिन्ह है जो ऐसी वाक्य में यकीन रखते हैं। हम राम भक्त हैं जिसको मस्जिदों के अंदर जाना है वो मस्जिदों के अंदर जाए, जिसको पादरी के पास जाना है जो अपने बाप को भी बाप कहता है और दूसरे के भी बाप को भी फादर कहता है, उसकी जैसी आस्था हमारी आस्था प्रभु राम में है, बालाजी महाराज में है, हमारी आस्था हिंदू धर्म की अवधारणा धारणा उसके सिद्धांतों में है कि रामचरित मानस जलाई गई। सरकार किसकी है यूपी में? भाजपा की है। योगी केंद्र में किसकी है? योगी सरकार को माननीय भाजपा की है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी ये कुकर्म हो रहा है तो ये सरकार क्या आंख बंद करके बैठी है? भाई साहब जयचंद की औलादे ना यहीं पैदा होती है, चोरी छुपे, अब आप भी चोरी छुपे जाके कुछ कर दो और वो हाईलाइट हो जाए तब आपको पता चलेगा कि योगी जी ने आप पर क्या एक्शन लिया है। मैं आपका आज का एक न्यूज बता रहा हूँ, सहारनपुर के अंदर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और उसका संचालन करने वाला एक मौलाना या पादरी या जो भी है उस पर कार्रवाई ना हो जाए तो आप कहना बस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। और आप यकीन मानिए जो आप कह रहे हो ना कि भाजपा की सरकार वहाँ केंद्र में है, यूपी के अंदर है, तब भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप इसको अपने पर अजमा कर देख लीजिए। अभी आप कुछ ऐसा देश विरोधी गतिविधि करिए और देखो आपका वीडियो बनेगा और आप पर एक्शन ना हो तो मैं मानूंगा ये योगी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, एक्शन लेना जानती है। कौन बताया आपने? मेरा नाम आकाश है भाई साहब। आकाश, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, ये चार शब्द अगर बंद हो जाए तो पता है इस पार्टी के साथ क्या होगा? नहीं, सुनिए तो, अगर ये चार शब्द बंद हो गए, क्या होगा? जो हिंदुओं के नाम पर वोट लिया, जो पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया, मुसलमान के नाम पर वोट लिया, आज रामचरित मानस जल रही सरेआम, दंगे हो रहे हैं बंगाल में हिंदू, एक्शन कहाँ है? क्या किया है? किया क्या है भाई साहब? कोई दंगे नहीं हो रहे। क्या करना चाहते हैं ये सब करके भाई साहब? ये एक आवाज है जो पूरे विश्व में हिंदुओं की आवाज बन रही है, चाहे बाबा बागेश्वर धाम हो, चाहे हिंदू राष्ट्र को लेकर सुरेश स्वाण जी हो, या पूरे भारत के अंदर जो भी हिंदू हित की बात कर रहा है, हिंदुओं की आवाज बन रहा है, भारत की जनता उसके साथ है। तो जो हिंदुओं की बात करेगा भारत के लोग उसके साथ हैं। बिल्कुल भाई साहब, संविधान कहता है जहाँ बहुमत है वहाँ जीत है, तो संविधान के सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं, जहाँ बहुमत है वहाँ उसके साथ है। चुनाव में हार जीत का फैसला बहुमत के साथ होता है ना, तो इसलिए बहुमत की आवाज है भारत, बहुमत की आवाज है हिंदू। तो अब क्या लग रहा है, जैसे चुनाव की बात आपने की, तो कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जो हिंदुओं की बात करती है? भारत की एकमात्र पार्टी, पूरे विश्व में एकमात्र पार्टी जो गर्व से कहती है जय श्री राम, बाबा बागेश्वर धाम या अन्य हमारे देवी देवताओं को जो जयकारा करती है, भारत की जनता पार्टी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व की पार्टी। तो फिर हिमाचल में हिंदुओं ने क्यों नकार दिया? हिमाचल में हार गए ना, तो हिंदुओं ने, अरे रुकिए भाई साहब, हिंदुओं ने नकार दिया ना हिमाचल में, पंजाब में नकार दिया ना। नहीं बता रहे किसने कहा कि हिमाचल में हिंदुओं ने नकार दिया? हार जीत का फासला देखिए, हार जीत का नहीं, हार जीत का आप आंकड़ा देखिए, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई होगी, हमारी आवाज हर तक घर तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये हार और जीत में से तब्दील मत करिए भाई साहब। तो बाकी के लोगों का क्या होगा, जो 20-22% लोग हैं वो भी तो है, केवल हिंदुओं हिंदुओं से देश चलेगा क्या, या हिंदुओं हिंदुओं से काम चल जाएगा? देखिए, हिंदू कुल में हमारा जन्म हुआ, हिंदू देवी देवताओं में हमारी आस्था है,
तो हमारा नियम भी हिंदू सिद्धांतों से है, हमारी अवधारणा भी हिंदू सिद्धांतों से है। रही बात 10% 20% वालों की बात करने की, चाहे आप इस्लामों की बात कर रहे हो, चाहे आप क्रिश्चियनों की बात कर रहे हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनके मौलाना और मौलवी, उनके फादर और पादरी बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में यदि कोई ईसाइयों की अच्छी जगह है, पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए कोई अच्छी जगह है, तो वो भारत है। और उनके पादरी, उनके मौलाना लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की औलादें हैं। कहा, किसने कहा भाई साहब? चैनल में अभी हाल फिलहाल में कई मौलानों ने ये कहा है कि हम भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हम तो कहते हैं गर्व से कि हम हिंदू हैं, टोपी वाले भी कह रहे हैं कि वो हिंदू है, इससे बढ़ के बात क्या हो सकती है। अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर स्वराज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति, आगे नोएडा से। तो ये क्या होगा इन सबसे? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू एक ऐसा धर्म है, हिंदुस्तान में रहते हुए आज रामचरितमानस रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो सब धर्म की बात करता है, और आज तक मतलब पुरुषोत्तम मर्यादा राम, उन्होंने मानव कर किस रास्ते पर चले, मर्यादा बांधी गई, उन्होंने कभी भी दलित में, उन्होंने तो बिल्ली के झूठे बेर खाए, निखारदास से दोस्ती की, सरयू नदी पर जहाँ अलग अलग घाट बने हुए थे, पशु पक्षी और जितने भी दलित समुदाय कोई भी था, सबको एक घाट पर पानी पिलाया, सबको एक घाट पर नहलाया, उन्होंने तो ये दिखाया भेदभाव छुआछूत को खत्म किया, और रामचरित मानस एक शब्द त्याग बलिदान तपस्या सारे उपदेश है उसमें। आज रामचरित मानस की प्रतियां हिंदुस्तान में जलाई जा रही हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठी है, वो इस काम को ज़्यादा एक वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, दलित मुस्लिम बांटने के लिए, देश में हिंदू दलित मुस्लिम का बंटवारा हो, हमारे देश में जहाँ सर्वधर्म सम्मान थे, जहाँ दीपावली में अली और रमजान में पहले राम लगता था, और सर्वधर्म यहाँ सम्मान थे, आज देश की राजनीति ने उसको सबको तार तार कर दिया है। और केशव, ये जो आप मेरा सवाल सुनिए, सरकार किसकी है यूपी में? बस सरकार की नहीं, इसकी लोगों की बात। अरे सुनिए सवाल, सरकार उन पर मुकदमा लिखा, जेल डाले जो रामचरित मानस की प्रतियां जला रहे। क्या वोट किस लिए मांगे थे? वोट किसने दिए? राम के नाम पे वोट मांगे उन्होंने, रामायण के ना, और रामचरित सुनिए तो, पूरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। रामचरित मानस सरेआम जल रही है, चलिए कोई स्वामी प्रसाद मौर्य या उसके चाहने वाले जला रहे हैं, मोहम्मद सलीम भी जला रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार गिरफ्तार करके जेल भेजे, मैं सरकार से मांग करता हूँ। वोट तो मांग लिया हिंदुओं के नाम पे, ले लिया है ना, दंगे होंगे उसमें कुछ नहीं करेंगे, बंगाल में लोग मरेंगे उसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल वोट मांगे। मैं ये कह रहा हूँ, जो रामचरित मानस का अपमान करता है या किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान करता है, उन पर सख्त से सख्त देशद्रोही की धारा करके मुकदमा लिख के उन्हें जेल में डाले। करते रहिए मांग, अब जल गई ना अगर कोई सुनिए, 9 साल से सरकार है केंद्र में, यूपी में दूसरी बार बनी है, कानून बन सकता था या नहीं बन सकता था? अब तक कानून बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना? अब ये सरकार जाने, सरकार से जवाब, सरकार को जवाब देना होगा। सरकार मांग तो हम उठाते रहेंगे, जो आप कह रहे हैं ना यूं ही मांग कर, आप करते रहिए, हम तो मांग करते रहेंगे, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये। कुछ 2-3 फायदे भी नजर आते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र होगा तो उसकी कोई 2-3 ऐसे फायदे सोचे हैं क्या आकाश ने कि ये फायदे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जब हिंदू राष्ट्र ये घोषित होगा, वैसे तो हिंदू राष्ट्र है भारत, पूरे विश्व के अंदर कोने कोने में जहाँ जहाँ हिंदू है वो गर्व से कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम तो ऑफिशियल तौर पे ये कहते हैं कि एक बार अनाउंसमेंट कर दिया जाए। फायदे पूछ रहा हूँ, हाँ भाई साहब, माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा या हर एक बच्चे से मेरा प्रश्न है, आपसे भी मेरा एक सवाल है। मैं पूछ रहा हूँ फायदे क्या, बता रहा हूँ मैं, फायदे ही बता रहा हूँ मेरे भाई साहब, हर बच्चे से मेरा सवाल है, आपसे भी है मेरे भाई साहब। जब आपके माँ बाप वृद्ध अवस्था में होंगे तो उनके मान सम्मान के लिए आप फायदा देखेंगे या उनका मान सम्मान देखेंगे, बताइए बताइए। सवाल घुमा दिया आप। नहीं, सवाल नहीं घुमाया, हर बच्चे के लिए अपने माँ बाप से सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, उसमें मैं लाभ या नुकसान नहीं देखता मेरे भाई साहब। सम्मान जरूरी, हाँ सम्मान जरूरी है, ये भारत का गौरव है, हम ये भारत की पितृभूमि है, ये भारत की कर्म भूमि है। कई लोग कहते हैं कि हमारी पितृभूमि तो सऊदी अरब है, तो जाके जैसी भावना, जिन्होंने जिसकी सोच ऐसी है उसको वो सोच मुबारक हो। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। देखिए इनसे हम बातचीत कर रहे थे, थोड़ा सा इनको छेड़ना पड़ा तब इनके अंदर की चीजें निकल के बाहर आई। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
कि जो इन्होंने कही हो सकता है कि उससे आप या हम या चैनल सहमत नहीं हो, और बहुत सारे लोग सहमत हों, उनको अच्छी लगी हो, बहुत सारे लोगों को नहीं हो। हम सहमत नहीं रखते सारी बातों से, चैनल भी सारी बातों से सहमति नहीं रखता। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।